तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ अपडेट्स है कि 8 बैंक नए भारत में खुलने वाले हैं। आज उनके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे कैसे कैसे क्या। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहूंगा, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों भारत में 8 जो बैंक हैं वहाँ यहाँ पे खुलने की पूरी पूरी संभावना है। आइए मैं यहाँ पे पूरे अच्छे से बात करता हूँ, ले चलेंगे आपको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पेज पे और यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट है आइए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे आप लोगों को पता है कि कोई भी बैंक खोलने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ पे सारा कुछ मतलब जो होता है बातचीत करना पड़ता है, अप्लाई वगैरह करना पड़ता है, अप्रूवल मिलता है तभी यहाँ पे जो है बैंक वगैरह ओपन हो पाते हैं। और इससे बैंक खोलने के लिए भी अपना 10 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए, मतलब उससे पहले आपका मतलब जो भी बैंक के लिए आवेदन करेंगे कहीं कहीं क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर 8 बैंक आने वाले हैं वो यूनिवर्सल बैंक के अंदर यहाँ पर 4 बैंक हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 4 लोग हैं। UAE एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है पहला, और यहाँ पर अगला है हमारा रिपोर्टिकल कॉर्पोरेटिव फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड है। उसके बाद है यहाँ पे चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड है, फिर श्री पंकज वैस एंड अदर्स। यहाँ पे 4 इसके अंदर आ रहे हैं यूनिवर्सल बैंक्स के। और यहाँ पे एप्लीकेशन अंडर गाइडलाइंस फॉर द यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 4 आ रहे हैं, देख सकते हैं। विसाफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, कैलकुलेट सिटी सर्विस कॉरपोरेट बैंकिंग लिमिटेड है, श्री अखिल कुमार गुप्ता है, फिर यहाँ पे देवरा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पे 8 बैंकों की सूची कुछ इस तरह से दिखाई जा रही है, जहाँ पे यहाँ पे यूनिवर्सल बैंक के अंदर 4 हैं और यहाँ पे स्मार्ट फाइनेंस बैंक के अंदर भी 4 हैं, इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा नीचे यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 अगस्त 2016 के रूल के अनुसार यहाँ पे बैंकों को मान्यता तभी मिलती है यदि उसके पहले यहाँ पे 10 साल का उनका कार्यकाल हो, उसके बाद यहाँ पे बैंक वगैरह को अप्रूवल किया जाता है। और इस पे देखिए RBI में मतलब यहाँ पे अप्लाई इन लोगों ने किए हैं तो अप्रूवल मिलता है कि क्या होता है, RBI के ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से अपडेट्स है जो RBI के मेन पेज में यहाँ पे इस तरह से शो किया जा रहा है कि मतलब यहाँ पे आवेदन वगैरह कुछ आया है इस तरह से, तो हो सकता है इनको अप्रूवल मिल भी जाए ना भी मिले, देखिए क्या होता है। बैंक खुल भी सकती है, नहीं भी खुल सकती हैं, इनका क्राइटेरिया अगर फुलफिल होगा तो बैंक ओपन भी हो सकती हैं। 8 बैंक जो यहाँ पे खुलने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ RBI की तरफ से अपडेट थी, मैंने सोचा आपके साथ साझा क्यों ना करूँ। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।